आत्मनिर्भर भारत, आधुनिक भारत के निर्माता, देश के दुश्मनों के काल, करोड़ों माता और बहनों के लाल, आप सभी को राम राम। अमरोहा की अपनी रैली में प्रधानमंत्री ने अमरोहा वासियों का दिल जीत लिया। अमरोहा कहा कि लोग अमरोहा को ढोलक के लिए ही नहीं बल्कि मोहम्मद शमी के लिए भी जानते हैं। उन्होंने कहा कि शमी ने दुनिया भर में देश का डंका बजवाया है। अमरोहा केवल ढोलक ही नहीं, देश का डंका भी बजाता है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में भाई मोहम्मद शमी ने जो कमाल किया वो पूरी दुनिया ने देखा है। खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए केंद्र सरकार ने भाई मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड दिया है। अमरोहा वो सीट है जहां मुस्लिम वोट निर्णायक है, यहाँ 40% से ज्यादा मुस्लिम वोट हैं। अमरोहा में मुस्लिम मतदाता 5,70,000 हैं, दलित 2,75,000, जाट 1,25,000, सैनी 1,25,000 व अन्य 5,00,000 के करीब है। प्रधानमंत्री ने एक तारीफ की तो एक तंज भी किया, राहुल गांधी और अखिलेश यादव के प्रचार को शहजादों की शूटिंग बताया। यूपी में एक बार फिर दो शहजादों की जोड़ी, उनकी फिल्म का शूटिंग चल रहा है आजकल, और ये दो शहजादों की फिल्म का पहले ही रिजेक्शन हो चुका है। अमरोहा से कंवर सिंह तंवर बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जबकि उनके मुकाबले इंडिया गठबंधन से कांग्रेस के दानिश अली हैं। बीएसपी ने मुजाहिद हुसैन को उतार कर लड़ाई तिकोनी बनाने की कोशिश जरूर की है। सवाल ये है कि इन सबके बीच प्रधानमंत्री की रैली वहां के चुनाव में एक अहम मोड़ साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी।